माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ए के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद योर सैम्पल प्रैक्टिकल पेपर फॉर AISSCE प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021-22 फॉर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस स्टूडेंट्स क्लास 12th। आप सभी, मुझे पता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोर से जुटे हुए हैं और अपने प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको पूरा पता चलने वाला है कि किस तरह से आपका प्रैक्टिकल होने वाला है टर्म 2 का 15 मार्क्स का IP का। तो इसलिए ये वीडियो देखना आपको शुरू से आखिरी तक बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो भी होंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्ड टर्मिनल 2 से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ डिस्कस करता हूँ और करता रहूँगा। तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद कि इसका जो मार्क्स का वेटेज है, किस किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर SQL क्वेरीज 7 मार्क्स की आपसे पूछी जाने वाली है। यहाँ पेन एंड पेपर लिखा हुआ है, क्योंकि कोविड सिचुएशन थी इसलिए ये पेन एंड पेपर मुझे लगता है लिखा हुआ था। और स्टिल अभी ज़्यादातर जो एग्ज़ामिनर्स, आपके एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स आएंगे, वो आपको सिस्टम पर भी दे सकते हैं, बैठा सकते हैं, या और पेन पेपर का यूज़ करके आपको आंसर शीट, बोर्ड से आंसर शीट्स आ रही हैं स्कूल्स में, तो ऑब्वियसली आंसर शीट्स में आपको प्रैक्टिकल के लिए SQL क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटर पर एग्ज़ामिनर्स आपको SQL में काम करने के लिए दें और वहाँ से आप टेबल बनाएं और क्वेरीज सॉल्व करें, फिर अपनी आंसर शीट में लिखें, ऐसा भी हो सकता है, या कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आपको डायरेक्ट आंसर शीट में ही 7 मार्क्स की क्वेरीज लिखनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर पेन एंड पेपर लिखा है, राइट। ये CBSE का टर्म 2 का जब सिलेबस बिगिनिंग में आया था तब का ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिकल फाइल 12 SQL क्वेरीज, कम से कम 12 SQL क्वेरीज आपको प्रैक्टिकल फाइल में डालनी थी, 2 मार्क्स। फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन 3 मार्क्स। आपने जो सिनॉप्सिस बनाया था, उस सिनॉप्सिस को लेते हुए कोडिंग और स्क्रीनशॉट आउटपुट वो सारा लगा करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है 3 मार्क्स के लिए। वाइवा विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सभी से वाइवा पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। तो 7+2+3+3 टोटल 15 मार्क्स इस तरह से बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपका वाइवा अच्छा हो जाने के बाद आप अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं। ये वाइवा 3 मार्क्स का नहीं, आप मान लीजिए कि 15 मार्क्स आपका जो है वाइवा मान करके चलिए। अगर आपको वाइवा आता है, इसका मतलब आप सब कुछ कर लेते हैं, SQL क्वेरीज आती हैं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई है, प्रोजेक्ट फाइल आपने बनाई है, तो ये प्रूव करता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप काफ़ी 15 मार्क्स के क्लोज आपके मार्क्स हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा। इसके बाद आइए हम देखते हैं हमने जो सैम्पल पेपर बनाया है ये क्या है। यहाँ से देख लीजिए सैम्पल पेपर आपका, दिस इज़ योर सैम्पल पेपर। एक टेबल दी हुई है, टेबल में कॉलम्स है, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, जॉब, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइन, डिपार्टमेंट, ये सभी इसके कॉलम्स हैं। इसमें ये वैल्यूज़ फीड की गई हैं और बेस्ड ऑन दिस टेबल यहाँ पर 7 क्वेरीज आपसे पूछी जा रही हैं, 7 कमेंट्स आपको लिखनी है। अब कई टीचर, कई एग्ज़ामिनर ऐसा कर सकते हैं कि 5 कमांड आपसे लिखवा लें, 2 आउटपुट लिखवा लें, ऐसा भी हो सकता है, या कई ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपसे 6 कमांड लिखवाई जाएं और 2 आधे आधे मार्क्स के आउटपुट लिखवाए जाएं तो 7 नंबर हो जाए। तो थोड़ा सा ये वेरिएशन हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स पेपर सेटिंग प्रोसीजर। बट एक कॉमन पेपर जो है मैं आपके सामने रख दिया हूँ, बना दिया हूँ, जो 7 मार्क्स का वेट है 7 क्वेरीज के साथ। पहला क्या है कि ये जो टेबल है इसके लिए आपको टेबल क्रिएट करना है, इसके लिए क्रिएट टेबल कमांड लिखना है। दूसरी कमांड, अब ये 1 मार्क के लिए है,
दूसरी कमांड है कि फर्स्ट रो आप इंसर्ट करके दिखाइए, पहली रो को के लिए आप इंसर्शन कमांड लिख दीजिए। हालांकि जब आप कंप्यूटर पे टेबल बनाएंगे तो आपको सारी रो इंसर्ट करनी पड़ेंगी, आउट ऑफ दैट जो पहली रो आपने इंसर्ट की है उसका इंसर्ट कमांड कैसे लिखा है उसके लिए आपको यहाँ कमांड लिखनी है। फिर ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी लाइज बिटवीन द रेंज 50,000 and 1,00,000, डिस्प्ले टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, इंक्रीज द सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज बाई 5%, टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइन एंड करस्पॉन्डिंग डे नेम ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट, डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर सैलरी। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिकल फाइल में कम से कम 12 SQL क्वेरीज होनी चाहिए एटलीस्ट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 20 भी बना सकते हैं, 25 क्वेरीज भी दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप कंप्लीट ज़्यादा क्वेरीज लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 क्वेरीज मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 नंबर की है प्रैक्टिकल फाइल, 3 नंबर का प्रोजेक्ट है फाइनल सबमिशन। पिछले टर्म में, टर्म 1 में भी आपको प्रैक्टिकल सिनॉप्सिस पर मार्क्स मिल चुके हैं। वाइवो वाइस जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, ये वॉस होता है, वॉइस नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से 3 + 3 = 6 + 2 = 8 + 7 = 15 मार्क्स का आपका टोटल ये 15 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है कंप्लीट। इसके लिए सबसे पहले अगर आपके सामने सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर पर जाएंगे, वहाँ पर आप MySQL लोड कर लेंगे, इसमें एक डेटाबेस बना लेंगे, क्रिएट डेटाबेस। सपोज मैंने डेटाबेस बोर्ड बना लिया, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बोर्ड बना लिया, आपने एग्ज़ाम बना लिया समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एग्ज़ाम 2021 बना दिया आपने, 22 लिख दिया आपने सेमी कॉलम, ये आपका डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने EMP लिखा, पहला कॉलम है एम्प्लॉई नंबर, इसका डेटा टाइप आपने इंटीजर लिख दिया, इट विल अलाउ मैक्सिमम रेंज ऑफ इंटीजर, इस पर आपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डाल दिया सो दैट इट शुड नॉट बी रिपीटेड, देयर आफ्टर ई नेम जॉब सैलरी ये आपको चाहिए, ई नेम एम्प्लॉय नेम, इसका डेटा टाइप मैंने वेयर कर लिया क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए, सपोज़ 15 कैरेक्टर लॉन्ग ले लिया, इस पर नॉट ना लगाना चाहें लगाएं या सिंपल आप टेबल क्रिएट कर दें। इसके बाद आपका अगला कॉलम है जॉब, जॉब इज ऑल्सो वेयर केयर टाइप, वेयर केयर और केयर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे वाइवा पूछ सकता है। तो जॉब के बाद आपका कौन सा कॉलम है, सैलरी, डी ओ ज्वाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, सैलरी एक कॉलम है, सैलरी इसको मैं डबल ले लेता हूँ, पॉइंट में अमाउंट है सैलरी, तो 8 digit, 2 digit, इट मीन्स 6 digit बिफोर डेसिमल एंड 2 digits आफ्टर डेसिमल, तो आपका ये लैक्स में सैलरी आ सकती है मैक्सिमम इसमें। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम इज डी ओ ज्वाइन देन डिपार्टमेंट, डी ओ ज्वाइन जो है आपका ये डेट ऑफ ज्वाइन, ये डेट टाइप है, इसके बाद डिपार्टमेंट है आपका, किस डिपार्टमेंट से वो एम्प्लॉय बिलोंग करता है, मैंने यहाँ पर वेयर केयर और 10-15 जो भी आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द साइज, मैं 15 लिख देता हूँ, साइज़ कम ना पड़े, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेमी कॉलन यहाँ पर लगा दिया, और नो डेटाबेस इन यूज़ आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए जो डेटाबेस क्रिएट किया था एग्ज़ाम 2022। इसके बाद आप क्रिएट टेबल कमांड वही रिपीट कर दीजिए, क्रिएट टेबल से, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम जॉब, ये आप एरो की, डाउन एरो की से ये कमेंट्स पिछली जो लिखी थी आप रिपीट की जा सकती हैं, सिंपली मैंने एंटर प्रेस कर दिया, क्वेरी ओके हो गया, दैट मींस माय टेबल इज़ क्रिएटेड। अब सीधी सी बात है कि ये क्रिएट टेबल कमेंट को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो मेरी ये कमेंट जो है
आंसर यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर पहले वाले की कमांड लिख देता हूँ। नंबर वन में क्या कमांड आएगी, यहाँ से ये हो गया, ये सीरियल नंबर्स आ गए, इसको हटा सकते हैं हम। हर लाइन पर एंटर प्रेस किया गया था, ये एज इट इज़ सारा कॉपी कर लिया है। इवन ये ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन है ये भी आप हटा सकते हैं, राइट लाइक दिस, क्योंकि कमांड एग्जैक्टली हमें यहाँ पर लिखना है, नथिंग एल्स। सो दिस इज़ द कमांड, राइट, ये हो गया। तो कमांड यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब इसका क्या आउटपुट, आउटपुट में क्या डालेंगे आप, सिंपली टेबल स्ट्रक्चर देख लीजिए, DESC करके EMP मेरी कैसे बनी है। ये वाला मैं क्रॉप कर लेता हूँ, मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया और यहाँ पर चले गए, ये किया और यहाँ से ये इतनी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मेरी टेबल बनी कैसे है। टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये आपका टेबल स्ट्रक्चर हो गया, कि क्रिएट टेबल करने से ये टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। दैट मीन्स आई वांट टू शो यू देयर आफ्टर। दूसरी कमांड अब क्या है, यहाँ से मैं देखता हूँ क्वेश्चन, यू कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप देखेंगे टू इंसर्ट फर्स्ट रो इन टू द टेबल। चलिए भाई फर्स्ट रो में इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ से, इसमें मैं गया यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट इन टू टेबल का नाम EMP वैल्यूज़, और ये क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ फ्रॉम दिस। ये आपका डेटा सेट था और इसमें मैं अगर ये लिखता हूँ वैल्यूज़ करके, और यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ, सी कॉमा, देन ये इन्वर्टेड कॉमा में स्कॉट आ गया, कॉमा फिर मैनेजर आ गया इन्वर्टेड कॉमा में, उसका जो जॉब है, एंड सैलरी विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा डेट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आपकी आ जाएगी, ये लिख दिया कॉमा। इसी तरह से ये इसका डिपार्टमेंट नंबर हो गया, ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। सो वन रो हैज़ बीन इंसर्टेड। अब आप इस रो, इसको यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। कहाँ पर कर लिया कॉपी पेस्ट, आई हैव पेस्टेड इट इन वर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं ला करके इसे, सॉरी कमांड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, और यहाँ आउटपुट क्या दिखाना चाहते हैं, इसमें आउटपुट दिखाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इंसर्शन हो चुका है। तीसरी, अच्छा अब तीसरी कमांड पर जाने से पहले हमें और भी रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से सारा डाटा ऐसे उठाता जाता हूँ एक एक, जैसे पहले वाला किया था, और वैसे ही ये सेकेंड वाला लिया। मैं आपको थोड़ा, एक बार ये टेबल बन जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ से मैं कर देता हूँ इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर ये कॉमा लगाया, सिंगल कोट में हो गया टॉम, कॉमा सिंगल कोट में हो गया क्लर्क। देखिए कितनी जल्दी जल्दी एंट्री हो जा रही है। डेटा वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट सिंपली यहाँ कर दे रहा हूँ, और अब ये 8.0 ऑनवर्ड्स जो सर्वर है MySQL का, उसमें आसानी से ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। जो पिछले सर्वर्स 5.0 वगैरह हैं उसमें कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है, यहाँ से जाना पड़ता है, एडिट में जा करके पेस्ट करना होता है, ठीक है, वहीं से कॉपी करते हैं, वहीं से पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिकॉर्ड में कॉपी करता हूँ, थोड़ी सी ये वीडियो आपकी लंबी जा सकती है, बस ये इंसर्शन में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इसे फटाफट देख लेते हैं इंसर्शन वाला। ये तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि बिना पूरे रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए आपको मैं आउटपुट नहीं दे पाऊँगा सारा, ठीक
ठीक है, तो ये कॉमा लगाया और ये हो गया क्लर्क, देर आफ्टर कॉमा, अगेन कॉमा, देन सिंगल कोट में कॉमा, सिंगल कोट में ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। तो ये इस तरह से हम लोग सारे रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। और अब मैं यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। लास्ट रिकॉर्ड है आईडी नंबर 1007, एम्प्लॉय नंबर हो गया। इसके बाद इसका नाम है फ्रांसिस, इसकी डिजिग्नेशन है क्लर्क कॉमा, यानी जॉब क्लर्क हो गया, सैलरी 30,000, एंड देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये 10th अक्टूबर 2009 कॉमा, ये बिलोंग करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। तो इस तरह से मैंने 7 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर दिए। ओके, ये 1001 से यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक। इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट स्टार करके देख लेता हूँ कि मेरे सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए कि नहीं फ्रॉम EMP। नाउ यू कैन सी ऑल 7 रिकॉर्ड्स हैव बीन इंसर्टेड एंड दिस इज़ द कंप्लीट टेबल। यू कैन सी ये आपकी पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ओके, अब इसके बाद आपने इंसर्ट कमांड वाली क्वेरी सॉल्व कर ही ली है। अब इसके बाद आपकी जो दूसरी क्वेरीज हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं बी सी, बी तक हो गया, ए हो गया, बी हो गया आपका। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में मैंने डाल दिया ए, क्रिएशन ऑफ टेबल, बी में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा के उसने चेक किया था कि आपको इंसर्शन आता है कि नहीं आता है। और इसके बाद हमारा तीसरा कमांड क्या है, इसके बारे में हम लोग और सारी कमेंट्स अब इसमें हम सॉल्व करेंगे। राइट, नाउ यू कैन सी पार्ट सी, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी लाइज इन द रेंज 50,000 एंड 1 लाख। तो ये क्वेश्चन है आपका कि जिसकी सैलरी 50,000 और 1 लाख के बीच में हो उसका डाटा रिट्रीव करना है। आइए हम लोग एक कमांड इसकी लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार ऑल कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड फ्रॉम EMP टेबल वेयर सैलरी, यहाँ कंडीशन लग जाएगी, वेयर सैलरी बिटवीन भी लगा सकते हो आप, बिटवीन कितना था 50,000, 50,000 एंड 1 लाख सेमी कॉलन। तो दीज आर टू एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी लाइज बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख, 50,000 एंड 1 लाख के बीच में। तो ये मेरी कमांड हो गई, इस कमांड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहाँ पर, कंट्रोल सी, सॉल्यूशंस में यहाँ पर मैं थर्ड कमांड में इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसका आउटपुट आपको लेना है, यहाँ से ये आउटपुट हम ले लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन किया एंड क्रॉप इट, इतना एरिया मैंने कर लिया क्रॉप, एक्स, और इसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपको दिखाने के लिए है, अगर आपको एग्जामिनर या आपका टीचर अगर ऐसा बताया है कि ये भी करना है, प्रिंट करना है, तो ऐसा करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको आंसर शीट में ये डायरेक्ट कमांड भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जामिनर्स होते हैं कि भाई कमांड लिखवाते हैं, कमांड के साथ कहते हैं आउटपुट भी दिखाओ, तो ये कमांड लिख करके ये आउटपुट आप लिख सकते हैं आंसर शीट में। एंड देर आर सम एग्जामिनर्स की वो कहते हैं कि भाई इसको प्रिंट कर दो सारा ऐसे पेस्ट करके आंसर्स, दैट कैन ऑल्सो बी डन एंड इट कैन बी अटैच्ड विद योर आंसर शीट। तो इट डिफर्स एग्जामिनर टू एग्जामिनर। चौथा जो हमारा फोर्थ कमांड है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन मीन्स डी पार्ट।
Display total salary, average salary and number of employees of each department. हर डिपार्टमेंट का, जैसे अकाउंट्स का, एडमिन का, सेल्स का, सभी का ग्रुपिंग करना है डाटा का. टोटल सैलरी और एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. टोटल सैलरी निकालने के लिए आप एग्रीगेट फंक्शन सम का यूज़ करेंगे. एवरेज सैलरी के लिए एवीजी फंक्शन यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे. ईच डिपार्टमेंट कह रहा है इसलिए यहाँ पर ग्रुप बाई डिपार्टमेंट कर देंगे और आपकी कमांड बन जाएगी. सो लेट अस टाइप इट हियर. सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी कॉमा एवीजी ऑफ सैलरी एंड काउंट ऑफ स्टार. स्टार जो है रोज काउंट करता है, कंप्लीट नंबर ऑफ रोज. फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट पर आप ग्रुप बना देंगे. ग्रुप्स में भी अगर फिल्टर करना होता है तो मैं हैविंग बना हैविंग लगाना पड़ता है. अब देखिए इसमें डिपार्टमेंट का पता नहीं चल रहा है कि ये सम ऑफ सैलरी किसकी है, कितने एम्प्लॉयज़, टू एम्प्लॉयज़ किस डिपार्टमेंट में है. तो जिस पर आप ग्रुप बाई लगाते हैं, जिस कॉलम पर, उसे भी सेलेक्ट लिस्ट में डाल दीजिए. यानी कि इस कमांड में थोड़ा एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, सामने डिपार्टमेंट जिस पर आप ग्रुप बना रहे हैं उस कॉलम को भी सेलेक्ट कर लीजिए. सो दैट वी कैन सी कि कौन से डिपार्टमेंट का एग्रीगेट वैल्यूज़ कौन सी हैं. से नाउ यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी 1,20,000 एंड एवरेज सैलरी 60,000 एंड देर आर टू एम्प्लॉयज इन अकाउंट. सिमिलरली फॉर एडमिन एंड सेल्स. जब तक मैं ये सेलेक्ट नहीं करूँगा मुझे इस तरह का डाटा मिलेगा और ये प्रॉपरली रिकॉग्नाइजेबल अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा. इसलिए हमें ग्रुप बाई वाला जो कॉलम है उसे सेलेक्ट में भी डाल देना चाहिए, बिना कहे हुए तो बेटर रहता है. तो नाउ दिस इज़ द कमांड. कमांड को मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ आंसर्स में. ये फोर्थ कमांड आपकी हो गई और इसका आप क्रॉपिंग कर लीजिए एरिया. ये वाला पूरा आउटपुट मैं डाल देता हूँ. क्रॉप इट आउट, मैं कमांड के साथ ही पूरा क्रॉप करूँगा जिससे स्टूडेंट्स को क्लियर हो सके. तो ये हो गया फिफ्थ कमांड. फिफ्थ कमांड के लिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई. इंक्रीज द सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ बाय 5%. सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी 5% इंक्रीज़ कर दीजिए. तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर अपडेट कमांड यूज़ होगी इंक्रीज या डिक्रीज करना हो परमानेंटली टेबल में. तो आई विल राइट अपडेट ई एम पी सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5% ऑफ सैलरी. ये तो ओरिजिनल सैलरी होगी, इसमें सैलरी का 5% मल्टीप्लाइड बाई 0.05. वेयर कंडीशन लगा दिए वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स. यहाँ कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है, केस इनसेंसिटिव कमेंट्स नहीं. तो ये अपडेशन हो जाती है. इसके बाद अगर आप सेलेक्ट स्टार करके देखते हैं, पहले मैं कमांड वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. ये कंट्रोल सी किया और कमांड आपकी यहाँ पेस्ट हो गई फिफ्थ कमांड. यहाँ आउटपुट क्या देंगे अगर आप दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट स्टार करके दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई सैलरी 5% रेज हो गई कि नहीं सेल्स डिपार्टमेंट की. तो आई कैन राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एंड वेरीफाई कि सेल्स डिपार्टमेंट में ये तीन एम्प्लॉयज़ हैं 42,089.45. यहाँ पहले क्या था सेल्स डिपार्टमेंट 40,000 था, ये 42 हो गया, 85 का कुछ हो गया, 43 का ये 45 हो गया, यहाँ का 82 का 89 हो गया समथिंग लाइक. तो ये इंक्रीज़ हो चुकी है सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी. इफ़ यू वांट टू शो यू कैन शो दिस, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. अपडेट में कोई आउटपुट की ज़रूरत नहीं है. और मैं
यहाँ पर करना चाहूँ तो पूरा स्क्रीन सेलेक्ट स्टार करके दिखा भी सकता हूँ। सिक्स्थ कमांड में देखता हूँ क्या है। एफ़ टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइन एंड करेस्पॉन्डिंग डे नेम ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइन और करेस्पॉन्डिंग डे नेम एडमिन डिपार्टमेंट का हमें शो करना है। सो आई कैन राइट सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी ओ ज्वाइन कॉमा, और इसके लिए एक फंक्शन होता है क्या, डे नेम फंक्शन ऑफ डी ओ ज्वाइन फ्रॉम ई एम पी वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एडमिन, राइट। ये कर दिया। देखिए यहाँ पर ये इसके एडमिन वालों का दो हैं एम्प्लॉयज टॉम एंड जॉय, उनका डेट ऑफ ज्वाइन के साथ साथ क्या आ रहा है, उनका किस दिन ज्वाइन किया था, डे नेम भी आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कॉपी दिस कमांड ओवर देयर इन द आंसर्स। ये आंसर शीट में तो समझ लो कि मैं लिख रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम राइटिंग इन द आंसर शीट लाइक दिस। और यहाँ पर मैं आउटपुट भी उसका दिखा देता हूँ, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ से मैंने कर लिया क्रॉप, और क्रॉपिंग के बाद मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। अपने सॉल्यूशंस में जा कर के मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। सेवंथ एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिए कि ये क्या पूछा गया है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर सैलरी, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है, सारा डाटा डिस्प्ले करना है। सो आई विल राइट हेयर कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी, यहाँ पर आप जानते हैं सॉर्टिंग करने के लिए ऑर्डर बाय, सैलरी के ऑर्डर में अभी असेंडिंग है तो ए एस सी, डिसेंडिंग है तो डी एस सी। ए एस सी वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, आई थिंक इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके सो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर इसकी, सॉरी जेड, यहाँ से ये आप कमांड कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी ऑर्डर बाय सैलरी डी ई एस सी। So that command is pasted over here and its output can be cropped. मैंने यहाँ से screenshot लिया और यहाँ पर मैं cropping करूँगा इस इतने portion की, यहाँ से मैंने cropping कर लिया, ये selected and cropped out and pasted over here. ये आपके सातों question, जो सातों queries थी उनके solution आपके ready हो गए, ठीक है, जी पार्ट तक। तो यहाँ मैं 1 2 3 4 लिख गया हूँ, यू हैव टू राइट ए बी सी डी। इसको मैं नंबरिंग में मैं ए बी सी डी कर देता, राइट, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर अगर कहता है कि भाई ये प्रिंट करके भी लगाओ, तो इसी तरह से आप बना करके प्रिंट कर सकते हो। एग्जामिनर आपका कहता है नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू जस्ट राइट द कमांड इन द आंसर शीट, तो पहली कमांड ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, डी हो गई, ई एफ एंड जी, आपका हो गया सॉल्यूशन। वो कहता नहीं, कमांड के साथ साथ आपको आउटपुट भी ड्रॉ करना है, आंसर शीट में लिखना है, तो यू कैन राइट लाइक दिस। इंसर्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है आउटपुट, क्रिएट टेबल में आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आउटपुट, सेलेक्ट कमांड में आप आउटपुट लिख सकते हैं, सेलेक्ट कमांड में आउटपुट लिख सकते हैं, अपडेट में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट ए बी है, सेलेक्ट ए बी, इसमें आउटपुट लिख सकते हैं जो साइड में आ रहा है। तो दैट्स इट अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसके बाद आपसे प्रैक्टिकल फाइल मंगाएगा एग्जामिनर, प्रोजेक्ट फाइल, उसको आप सबमिट करेंगे ड्यूरिंग योर वाइवा, उसमें से वाइवा पूछा जाएगा, ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो प्रोजेक्ट फाइल से पैंडास से भी पूछ सकता है, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया है एक्सप्लेन करा सकता है एग्जामिनर, कोई कमांड भी उसमें से आपसे पूछ सकता है टू वेरीफाई वेदर यू हैव डन द प्रोजेक्ट और नॉट,
और वो एसक्यूएल पर भी आपसे क्वेरीज कर सकता है। एसक्यूएल फंक्शंस मेनली आपके सिलेबस में है, तो फंक्शंस को आप अच्छी तरह से तैयार रखें, उस पर अच्छा खासा वाइवा बनता है ना, सब एसटीआर इन एसटीआर। इसके लिए मैं कभी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है। तो ये जो पेपर है और इसका जो सोल्यूशन है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा अपलोड करके। और इसी के साथ हम लोग ना फिनिश करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे सभी आईपी के बच्चे 100% मार्क्स ले सकें आईपी प्रैक्टिकल में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।